खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य मां गरीबन के पेट मां डाका डारे वाले दुई डाकू गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। अपना प्रतिनिधि बताया दी, राशन वितरण प्रणाली मां 7,16,000 रुपया के हेरा फेरी करे वाले ये दोनों जेल भेजे गए हैं। जौने मां समित प्रबंधक और विक्रेता के द्वारा कीन गए रही बड़ी गड़बड़ी, तो पूरी खबर लेके आए हैं विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में। हम गणेश तिवारी अपना प्रचंड का सब जने इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां अपना प्रचंड बता दी कि रीवा जिला में गरीबन के खाद्यान्न से हेरा फेरी करे वाले समित प्रबंधक और विक्रेता का गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सूत्रन के मानी था जवा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति बरहुला के शासकीय उचित मूल्य के दुकान कल्याणपुर में भारी मात्रा में मिट्टी कीन गई, यहाँ गरीबन के खाद्यान्न से वंचित कर दीन गरा। शासन स्तर में भय जांच में 7,16,000 रुपया की गड़बड़ी पाई गई, जोने के बाद समिति प्रबंधक और विक्रेता खिलाफ FIR दर्ज है। कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा बताबागा कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता मोहित लाल तिवारी और बरहुला समित प्रबंधक संतोष सेन द्वारा गरीबन की खाद्यान्न में हेरे फेरे किए गए। विक्रेता और समित प्रबंधक द्वारा गरीबन खेतिर आवंटित खाद्यान्न के उपभोक्ता मां वितरण न कहके घर घर जाए के उपभोक्तन के PSO मशीन में अंगूठा लगवाए के उपभोक्ता का खाद्यान्न से वंचित रखा का। जांच मां 7,16,819 रुपये काला बाजारी पाई गए। गंभीर अनियमितता पर दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। कलेक्टर के द्वारा कहा गया है यदि कहूँ गरीबन के खाद्यान्न में अनियमितता करी तो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के द्वारा सभी राजस्व अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारी का उचित मूल्य दुकानन पर नियमित निरीक्षण करे और खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करे वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर समझी कि ऐसा डाकू जो गरीबन के खाद्यान्न पर डाका डारा थे, इनका तो सीधे एक कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। काहे कि खुले आम सोची कि जो सरकार है, सरकार यह चाहती है कि हर गरीब के घर में खाए का बने, किंतु ई डकैत ई डाकू जो है जो कहों न कहों खाद्यान्न बांटे की इनका जिम्मेदारी दी गई ही, ये गरीबन के पेट में लात मार रहे हैं, उनके हक में डाका डाल रहे हैं। हालांकि ई पकड़े जरूर जाते, किंतु ई ऊंचे कहा जाए कि इनके लगे जो अनाप शनाप पैसा होता है, यह पैसा की मदद से छूट बड़ा जल्दी जाते हैं। किंतु अब शासन सत्ता सरकार और कानून का चाहिए कि इनका ऐसा दंड दिया जाए कि दूसर इस दंड का देख के इनकर जो है दूसरे लोगन का हिम्मत ना हो कि गरीबन के पेट में लात मारा जाए, गरीबन के हक में डाका डारा जाए। तो यह है बेहद बड़ी खबर। हालांकि यह पूरे विंध्य में एकर हम कह सकते थे कि असर है, कोनो एक या रीवा भर की बात ना हो, यह हर जगह देखा जाए विंध्य में, चाहे सीधी हो, सतना हो, शहडोल हो, उमरिया हो, अनूपपुर हो, सिगरौली, हर कोटेदार है कह रहा है, मतलब बहुत कुछ है। मैं ठीक होते किंतु अधिकतम ऐसा कोटेदार होते उवाद के हवाला देते कि सरकार हमका रुपये कितना दे थी, किंतु सवाल ये उठा था यदि कम रुपया लागत है तो नौकरी छोड़ दे, काहे तोहका गरीबन के हक में डाका डारे के अधिकार मिल जाता है। यदि नौकरी मां रुपया कम मिला था तो नहीं पसंद आए, नहीं खर्चा चले तो छाड़ दे, का जरूरत है ऐसा नौकरी के, किंतु यह अधिकार नहीं मिले कि गरीबन के हक में डाका डारे लगा तो सीधे तौर पर समझी। हालांकि अबे दो लोग गिरफ्तार भी हैं और पहुंचे हैं सलाखन के पीछे, किंतु यदि बिल्कुल सघनता से ये पूरे मामला में जांच की जाए तो पूरे विंध्य में सैकड़न के संख्या में ऐसा जो कहा जाए विक्रेता और समित प्रबंधक निकले ही जो रोजाना गरीबन के हक में डाका डारा थे, और यह में तो जेल बिल्कुल लबालब भर जाई ही, कहे कि ये खुलेआम जो है कह के लूटा थे और ये कहा थे कि अब हम तक करब जेका जो करे खो तो कह ले, तो जरूरत यही कि सरकारन और जो प्रशासन है इनके द्वारा जो है एक सघन जांच अभियान शुरू किया जाए, वो ऐसा लोगन का सीधे और सीधे भेजा जाए सलाखन के पीछे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम।